हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं आपके लिए काजू और मखाने की ऐसी चटपटा मज़ेदार सा सब्जी लेके आई हूँ जो आप व्रत में आराम से खा सकती हैं। आप भी खाइए और अपने फैमिली मेम्बर को भी खिलाइए। तो अगर आप इसको बनाना चाहती हैं तो चलिए बिल्कुल मेरे किचन में चलिए, मैं आपको फटाफट इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसको बनाइए और सबको मिल के खाइए। तो जिसको बनाने के लिए देखिए, एक कटोरी मखाना लगेगा और थोड़ा सा काजू, मतलब 20-25 काजू आप इसमें ले सकते हैं। इसका ग्रेवी बनाएंगे उसके लिए 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च, थोड़ा सा 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और थोड़ा काजू और बादाम। तो इसको हम लोग मिक्सी में देके पीस लेते हैं। मैं टमाटर को रफली चॉप कर ली हूँ, अब इसको मैं एक मिक्सी के जार में इसको डालूंगी। तो ये हरी मिर्च को भी इसमें डाल दीजिए और जो काजू बादाम रखी हूँ इसको भी इसमें डाल देते और चलिए इसको पीस लेते हैं। देखिए इसको मैं पीस ली हूँ। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो देखिए कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें मैं घी डाल रही हूँ जिसमें मैं काजू को फ्राई करूंगी। गैस का फ्लेम को कम कर देते हैं। देखिए घी गर्म हो गया है, इसमें काजू देके इसको निकाल लेते हैं अच्छे से फ्राई करके। धीमी आंच पे इसको तलिएगा, क्योंकि धीमी आंच में तलेंगे तो ये अच्छे से भुनेगा ताकि इसमें स्वाद आएगा। देखिए काजू हो गया है, अब इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए इस तरीके से आप भून लीजिएगा काजू को। अब इस पर सारे मखाने डाल देते हैं। मखाने को भी धीमे आंच पे आपको भूनना है। तो चलिए इसको कम से कम आपको इसको भूनने में 10 मिनट लगेगा। धीमे आंच पे जब आप भूनेंगे और हाई फ्लेम पे भूनेंगे तो ये जलने का डर रहता है, इसलिए इसको धीमे आंच पे भुनना है। तो देखिए मखाना मेरा अच्छे से भुन गया है, अब इसको चलिए निकाल लेते हैं। तो देखिए ऐसा मखाना को आपको भून के रखना है। तो अब इसी कढ़ाई में 1 चम्मच में घी डालूंगी और जब घी गर्म हो जाएगा तब इसमें मैं थोड़ा सा शक्कर दूंगी, एकदम नाम मात्र, सिर्फ कलर के लिए। देखिए शक्कर जब कैरमलाइज हो जाएगा तो इसका कलर इतना अच्छा आएगा ना कि देख के ही खाने का इच्छा होगा आपको। अब इसमें मैं 1 चम्मच शाहजीरा डाल रही हूँ और जीरा जब थोड़ा पक जाएगा तो मैं धनिया पत्ती का डंठल, जैसे धनिया पत्ती का आप पत्ता को यूज़ कर लीजिए और इस टाइप का डंठल को ऐसे सब्जी में काट के डालिए तो उसका स्वाद एकदम उभर के आता है। तो इसको फेंकिएगा मत, तो आप इस सब्जी में ऐसे डाल सकते। मिक्सी में मैं टमाटर और हरी मिर्च को पीसी थी, अब इसमें इसको डाल देंगे और मिक्सी के जार को भी धो के इसमें डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से भून लेंगे। देखिए जब मसाला इतना भून जाए, इसमें तो सिर्फ मैं टमाटर हरी मिर्च और थोड़ा सा काजू और बादाम देके इसको भूनी हूँ, तो अब जब ये इतना सा भून जाएगा तब इसमें मैं 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दे रही हूँ। देखिए आप, इससे आपका जो ग्रेवी बनेगा वो बहुत ही खूबसूरत सा लगेगा देखने में। तो इसमें आप इस टाइप से कश्मीरी लाल मिर्च 2 चम्मच डाल दीजिए और इसको अच्छे से फिर थोड़ा देर भून लीजिए। और इसमें इसी समय पे थोड़ा सा सेंधा नमक भी डाल देती हूँ मैं, क्योंकि नमक तो आप अपने स्वाद अनुसार ही डालेंगे। अब इसको मिला के हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भून लेते हैं। देखिए जब पूरा मसाला अच्छे से भून जाएगा तब इसमें मैं 1 चम्मच अदरक डालूंगी। देखिए मसाला अच्छे से भून गया है, अब इसमें मैं 1 कप जैसा, ये देखिए इसमें पानी डाल रही हूँ, वो भी गर्म पानी है, और इसको अब अच्छे से मिला देते हैं। अब जब ये उबलने लगेगा तब इसमें मैं काजू और मखाने को डाल दूंगी। देखिए ग्रेवी क्या सुंदर उबल रहा है, देखने में भी खूब सुंदर लग रहा है। तो अब इसमें मैं मखाना को डाल देती हूँ जो भून के रखी हूँ।
और काजू। और इसमें आधा कप जैसा, ये देखिए आधा कप जैसा इसमें पानी और डाल देते हैं ताकि अच्छे से उबले और पूरा मसाले का फ्लेवर मखाना और काजू के अंदर आ जाए। और थोड़ा सा ऊपर से धनिया पत्ती डाल देते हैं। तो देखिए आप भी ऐसा सब्जी बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप जब आपकी माँ बहन जब व्रत करे तो आप इस तरीके से बना के उनको सरप्राइज कर सकती हैं, क्योंकि वो आपके लिए हर समय करती हैं, तो कभी कभी आप भी उनके लिए बना के रख सकते हैं। तो देखिए मेरा मखाना और काजू का सब्जी रेडी है। तो आप भी अगर ऐसा बनाना चाहती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इसको बना सकें। और मेरे वीडियो को आप शुरू से देखिए और रेसिपी नोट कीजिए और बनाइए काजू मखाना की सब्जी, जो आप उपवास में खा सकते हैं, जो एनर्जी से पूरा भरपूर है।